यार पिछले 8-10 दिन से मैं गोपालगंज में हूँ और आज जितनी ठंड गिर रही इतनी ठंड कभी नहीं गिरी थी। बिल्कुल मेरा हाथ पैर सिकुड़ गया। और ये देखो कैसे, मतलब तो आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और मैं सोचा कि आज वाला ब्लॉग मैं बना लेता हूँ, बिकॉज़ एग्ज़ाम था बीच में। तो मैं इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को फोकस्ड होके स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यार एग्ज़ाम है और मेरे लिए मेरे करियर और एग्ज़ाम से बड़ा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी होगा ऐसा अगर आप स्टूडेंट होंगे तो। या मैंने सोचा कि आज का वीडियो बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे निकल गया अपना टुक टुक लेके। और ये गोपालगंज सिटी है, बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि छोटा शहर है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो एक विलेज में होने चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट है भाई दुबई। तो यहाँ पे मैं टुक टुक में बैठ गया और ये मतलब शेयरिंग वाला था, तो इसमें बहुत सारे लोगों को भी वो बैठा रहे थे भैया, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बुकिंग नहीं किया था तो सबके साथ ही जाना पड़ेगा। अभी तक मेरे 5 पेपर हुए और 5ों पेपर बहुत अच्छा गया। तो मैं सोच रहा था कि बस एक लास्ट बचा, जो कि ये भी बहुत अच्छा चल रहा, प्रिपरेशन अच्छी हुई। अब देखते हैं एग्ज़ाम में कैसा होता है, ये एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा। मैं आज मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ रहा था, और मतलब पढ़ाई तो पहले ही हो गया था लेकिन एक बार रिविज़न कर रहा था ताकि वहाँ पर जाके अच्छे से लिखूँ, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहा था क्योंकि ठंडी में होता क्या ना कि जब आप पेपर लिखते हो तो बहुत मतलब फास्ट आपका हाथ चलता नहीं है, हैंड राइटिंग एकदम अजीब टाइप से हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाते हो। अब ये होता है ठंडी की वजह से, क्योंकि आप मतलब हाथ पैर जैसे जम जाना होता है ना। तो वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट में हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए। और यहाँ पे जो लोग मेरे साथ में एग्ज़ाम देते हैं उनसे मैं थोड़ा सा बात बात कर रहा था कि आज का मतलब क्या स्ट्रेटजी है, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो यही सब था एग्ज़ाम में। मैं बता दूँ कि अंदर मोबाइल एकदम अलाउड नहीं था, बट ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया बस, वो भी मतलब छिप छिपा के। एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होता तो जितना बैग वैग है या आपका मतलब जो भी पर्सनल बिलोंगिंग है वो सारे गेट के बाहर, वहाँ पे सिक्योरिटी रहते वो अंकल ले लेते। और ये दोनों हमारे ही गाँव के हैं, स्टूडेंट है, एग्ज़ाम दे रहे भैया हमारे साथ, फ्रेंड है। तो यही था, सारे लोग लगभग आ चुके थे एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से हम लोगों ने इंटर किया अंदर, और यहाँ पे ही मतलब अक्सर सिक्योरिटी चेकिंग होता है, लेकिन अभी वो अंकल नहीं आते जो चेक करते, तो इसलिए अंदर हम लोग चले गए। और अंदर जाके वहाँ पे गेट के पास सबका मतलब एक एक करके सबका चेकिंग होता है, बैग वैग सब कुछ। और मोबाइल अगर आप लेके जा रहे हो तो अपने बैग में रखो और बैग को बाहर रख दो, जो मतलब रेगुलर का ऐसे ही होता। तो ये तो मैं अभी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी कोई नहीं है ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, बाकी अंदर ले जाके मैं अभी अपना मोबाइल रख दूँगा। तो यही है, मेरा लास्ट दिन है आज एग्ज़ाम का। और 10 दिन कैसे बीता मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा चीज़ है कि अगर आप मतलब एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो माइंड में आपके हर एक दिन वही रहता है कि कल का पेपर अच्छे से बस चले जाए, उसके लिए आज थोड़ा पढ़ लो। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था हमें। मैं मेरा एक फ्रेंड है उसके रिलेटिव के पास रह रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरे दोस्त थे उन्हें नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो ये बहुत सरप्राइज थे ये देख के। सो ये मेरा एग्ज़ाम हॉल है जिसमें मैं बैठ के एग्ज़ाम देता हूँ। सो अभी मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। 3 hours later तो फाइनली एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा गया। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने करे और जितना ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल था सारे किए। और ये लास्ट दिन था हमारा BCA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का, और मैं बहुत खुश था बिकॉज मुझे मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कितना जल्दी डिग्री कम्प्लीट हो कि मैं अपना करियर स्टार्ट करूँ, लेकिन वही होगा जब मतलब किस्मत में जो होगा वही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ के वेट कर रहा था ताकि ये जो भैया बोल रहे थे कि एक दो आदमी और आ जाएंगे तब जाएंगे, नहीं तो ऐसे एक आपको लेके कैसे जाऊँ। तो मैं भी बोला ठीक है कर लो वेट यार। और यहाँ से हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए। आज पूरा दिन मतलब फॉग था यार, मतलब मेरे को लगता है कि 1-2 घंटे के लिए भी अच्छे से वेदर नहीं हुआ होगा, पूरा दिन एकदम ठंडी ठंडी ठंडी। और ये हम लोग पहुंच गए, खैर अब मतलब कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा भी रहे तो, क्योंकि आज हम लोग का लास्ट पेपर था
और एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो गया, थोड़ा सा धूप निकला बट वो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा देर में फिर कवर्ड अप हो गया। तो मतलब होपफुली आज मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 10 दिन से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए यार, और मतलब अब नई पेशेंस है एकदम अंदर में। घर जाने टाइम मेरा फ्रेंड का कॉल आया कि वो बाहर निकला हुआ है, तो अभी मेरे को घर पे जाके बोरिंग लगता तो मैं सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ। ये गोपालगंज का चाट का दुकान है, यहाँ से बहुत औसम चाट देता है। और एक और सरप्राइज वाली चीज़ है, समोसे में यहाँ पे पनीर मिलते हैं, और उसी वजह से एक समोसे का दाम यहाँ पे 30 रुपये है। आप एक बार सोचो, मतलब एक समोसे में एक पनीर और उसका प्राइस 30 रुपीज़। तो वही था। और 10 दिन यहाँ पे रहने के बाद थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हम लोग यूज हो गए थे, तो आज थोड़ा लग भी रहा था कि आज के बाद फिर इस जगह पे नहीं रहेंगे, तो वही मतलब इमोशनल ट्रामा और क्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरे फ्रेंड हो, मेरे एग्ज़ाम पार्टनर हो, तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो गाइस, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।